पिताजी पीछे रह गए, बेटे को एंट्री मिल गई, बाहुबली पहले मोक्ष गए थे सब देव से, किसी ने नहीं रोका। और वहां क्या नियम बना दिया, किसी ने कहा होगा साहब पिताजी पहले दीक्षा ली थी उनको पहले मोक्ष होना चाहिए, पिताजी पहले दीक्षा ली थी उनको पहले मोक्ष होना चाहिए। तो बोले मोक्ष मार्ग में बाप बेटा नहीं चलता, मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं चलता, जो बढ़ेगा सो पाएगा। पर आज क्या हो गया इस नियम को, स्वधर्म कहता है कि मैंने पहले मुनि दीक्षा ले ली है और मैं ध्यान कर रहा हूं मुझे मोक्ष चला जाओ। मात एक स्थान पर मोक्ष में पक्षपात हुआ है, मैंने पूरे शास्त्रों को पढ़ा, पोता तक मोक्ष चला गया, किसी ने तद्भव मोक्षगामी का पोता, लवकुश को केवल ज्ञान हो गया मोक्ष हो गया, और दादाजी श्री राम अभी राज्य अवस्था में बैठे हुए हैं गुजरात में पावागढ़ से, पोते को मोक्ष हो रहा है तो भी कोई नहीं रोक रहा है कि नहीं तद्भव मोक्षगामी है श्री राम, जब तक उनको मोक्ष नहीं होगा तुम लोग नहीं जा सकते क्योंकि तुम उनके पोते हो। वहां तो कह दिया नहीं जो पहले वो, पर आज मात्र एक स्थान पर पूरे संसार में एक स्थान पर ये नियम बना है, इंद्राणी का जीव पहले मोक्ष जाएगा और सौधर्मेंद्र का जीव बाद में मोक्ष जाएगा।